पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। नहीं नहीं, मैं आपको हनी सिंह का गाना याद नहीं दिला रहा हूँ। आज मैं आपको WWE की सबसे बड़ी पार्टी समर स्लैम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सलाम नमस्ते इंडिया। तो गाइज, आज हम बात करेंगे समर स्लैम के टॉप 10 मैचेस के बारे में। इस लिस्ट में अपनी जगह उन मैचेस ने बनाई है जिनमें बहुत सारे यादगार मोमेंट्स हैं और जिन्होंने WWE फैंस पे अपनी छाप छोड़ दी है। तो चलिए पार्टी शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है लेक्स लूगर, पता नहीं यार, आप ही बताना मुझे, वर्सेज यकुजुना, समर स्लैम 1993। लेक्स लूगर और आलू की बोरी मिस्टर यकुजुना के बीच दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब यश चोपड़ा की फिल्मों की ही तरह लेक्स लूगर भाई साहब ने हेलीकॉप्टर से एंट्री मारते हुए यकुजुना को बॉडी स्लैम दे दिया। इसके बाद दोनों के बीच समर स्लैम मैच तय हुआ WWF चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में यकुजुना के काउंट आउट होने की वजह से लेक्स लूगर ने मैच जीत लिया, पर काउंट आउट विन से चैंपियनशिप नहीं मिलती। पर उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे WWE के रेसलर्स ऐसे आ गए जैसे भाई ने दुनिया जीत ली हो। क्यों WWE ऐसा क्यों? नंबर 9, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, समर स्लैम 2007। नहीं नहीं, आप मुझे गाली मत दीजिए इन दोनों के मैच को इस लिस्ट में डालने के लिए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का ये पहला 1-on-1 मैच था और उस टाइम फैंस को एक्चुअली में इंटरेस्ट था इस मैच में। इसके बाद तो सदियों तक होते रहा ऑर्टन वर्सेस सीना, सीना वर्सेस ऑर्टन, जॉन वर्सेस रैंडी, इतना कि पब्लिक बोर होके पक गई। इस मैच में ऑर्टन के आरकेओ से किकआउट करते हुए सीना ने अपने फिनिशर FU से जीत हासिल कर ली, पर ये मैच तो बस इनके आगे होने वाले हजारों मैचेस की शुरुआत थी। नंबर 8 पे है समर स्लैम 2000, ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन ट्रिपल एच, कर्ट एंगल एंड इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक। आप समझ गए ना, तब चलिए, तब ठीक है। ये मैच एक्शन और ड्रामा से भरा हुआ है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं बताता हूँ। रॉक की एंट्री से पहले ट्रिपल एच का कर्ट एंगल को कमेंट्री टेबल पर पेडिग्री देना, जिसकी वजह से कर्ट एंगल का इंजर्ड हो जाना, ड्रामा नंबर 1। स्टेफनी मैकमैन का रिंग में आके गलती से ट्रिपल एच को मार देना, ड्रामा नंबर 2। एंगल का अचानक से हिंदी फिल्मों के हीरो के जैसा ठीक होके रिंग में वापस आ जाना, ड्रामा नंबर 3। और दो बंदरों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक सियानी बिल्ली द रॉक का चैंपियनशिप जीत जाना, ड्रामा नंबर 4। अब यकीन हुआ ना। नंबर 7 पे है द डेड मैन द फीनॉम द अंडरटेकर वर्सेस द अंडरटेकर है। नहीं नहीं दोस्तों, कोई गलती नहीं हुई है। समर स्लैम 1994 में सच में मैच हुआ था द रियल अंडरटेकर वर्सेस द फेक अंडरटेकर के बीच। जो नकली अंडरटेकर थे उन्हें टेड डिबियासी लाए थे और रियल अंडरटेकर पॉल बेयरर के साथ आए थे। दोनों के कॉस्ट्यूम सेम थे, पर रियल अंडरटेकर ने पर्पल कलर पहना था और फेक अंडरटेकर ने ग्रे। इस मैच को जीता पॉल बेयरर के रियल अंडरटेकर ने, और मैच के बाद कुछ चोगा पहने हुए लोग आए और कॉफिन में डाल के फेक अंडरटेकर को ले गए। मेरा सवाल सिर्फ WWE से यही है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। नंबर 6 पे है AJ स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना, समर स्लैम 2016। इस मैच में हमें AJ स्टाइल्स की असली काबिलियत देखने को मिली। सीना के एटीट्यूड एडजस्टमेंट को रिवर्स करते हुए पहले किक देना वॉज ऑसम। सबसे ज़्यादा शॉकिंग पल वो था जब सीना के सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट के बाद भी स्टाइल्स का पिन नहीं हो पाया, और आखिर में स्टाइल्स क्लैश और फिनोमिनल फोरआर्म देते हुए AJ स्टाइल्स ये मैच जीत गए। मैच के बाद क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दी जॉन सीना को, और सीना ने अपना आर्म मैन रिंग के बीचों बीच छोड़ दिया। दिस मैन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। नंबर 5 पे है द अंडरटेकर वर्सेज एज, हेल इन अ सेल मैच। ये एक वन ऑफ द बेस्ट मैच है एज के करियर का। हेल इन अ सेल जो कि अंडरटेकर की स्पेशलिटी मैच है, इसमें एज ने अपनी स्पेशलिटी मैच टेबल्स लैडर्स और चेयर्स का तड़का भी लगा दिया, जिसकी वजह से हमें मिला एक गर्मा गर्म मसालेदार मैच। इस मैच में आप देखेंगे टेबल टूटते हुए, सेल पैनल टूटते हुए, ब्रॉडकास्ट टेबल टूटते हुए और साथ ही साथ एज की किस्मत भी फूटते हुए। इतने से भी अंडरटेकर को चैन नहीं मिला तो उन्होंने मैच जीतने के बाद एज को लैडर के ऊपर चढ़ाकर चॉक स्लैम दे दिया, और अंडरटेकर के पोज करते ही एज के ऊपर बिजली गिरने से आग लग गई। अंडरटेकर की थॉर से अच्छी जान पहचान रही होगी नहीं। अब आपके लिए एक समर स्लैम क्विज। जैसे इस साल रेसलमेनिया का मेन इवेंट और समर स्लैम का मेन इवेंट सेम है, वैसे ही वो कौन सा मैच है जो रेसलमेनिया का भी मेन इवेंट था और सेम मैच उसी साल के समर स्लैम का भी मेन इवेंट था। आंसर करिए कमेंट्स में, और दो रैंडम विनर्स के नाम बताऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उन्हें मिलेगा WWE के सुपरस्टार द बिग डॉग रोमन रेक्स का ऑफिशियल टी शर्ट। नंबर 4 है द बेस्ट वर्सेज द बीस्ट, CM Punk वर्सेज ब्रॉक लेसनर, समर स्लैम 2013।
ये मानना पड़ेगा कि ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम में बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दिए हैं, पर ये उनका सबसे बेस्ट मैच था क्योंकि इस मैच में ना सिर्फ दो अच्छे रेसलर्स हैं बल्कि दो अच्छे टॉकर्स भी हैं। भाई ब्रॉक लेसनर नहीं, पॉल हेमन, क्या आप भी यार। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में आपको चेयर की मार, सबमिशन की पकड़, हवाई हमला सब देखने को मिलेगा। इस मैच को जीता था ब्रॉक लेसनर ने। समर स्लैम 2013 काफ़ी अच्छा था। इसमें ना सिर्फ लेसनर वर्सेस पंक अच्छा मैच था बल्कि इसमें दाढ़ी वाले बाबा और चिकनी चमेली भी टकराए थे। आई मीन जॉन सीना वर्सेस डैनियल ब्रायन WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये मैच खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक अंडरडॉग जिसकी जीतने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, उसने जॉन सीना को हरा दिया था। हाँ, फिर धोखा हुआ और चैंपियन रैंडी ऑर्टन बन गए, बट फिर भी ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसी मैच से शुरुआत हुई है WWE के सबसे बड़े मोमेंट की। यस यस यस। नंबर दो पे है हुल्क हॉगन वर्सेस शॉन माइकल्स, समर स्लैम 2005। अब मैं आपको बता दूं, ये मैच मैंने नंबर दो पे इसलिए रखा है क्योंकि आप ये मैच एक बार देख लोगे तो इसे भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हुल्क हॉगन और शॉन माइकल्स के बीच तीन मैच तय हुए थे जिसमें से एक मैच शॉन माइकल्स को भी जीतना था, पर हमारे बुढ़ाओ अंकल कुछ ज़्यादा ही चलाक थे, उन्होंने बाकी मैचेस करने से मना कर दिया और सिर्फ समर स्लैम के लिए वो रेडी हुए। तो इस बात का जब माइकल्स भैया को पता चला तो उन्होंने इस मैच की मां बहन करने की सोच ली और हुल्क हॉगन के हर शॉट को ओवरसेल किया। हुल्क हॉगन के हर वार पर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग की शॉन माइकल्स ने। आप प्लीज़ इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद YouTube पे जाइए और इस मैच को ज़रूर देखिए। नंबर एक पे जाने से पहले ये कुछ ऐसे मैचेस जो बहुत अच्छे हैं पर इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। मैंने बहुत सोचा कि सबसे बेस्ट मैच कौन सा रहेगा, तो मुझे बस इसी मैच की याद आई, शॉन माइकल्स वर्सेस रेजर रेमन, समर स्लैम 1995, लैडर मैच फॉर WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये एक क्लासिक मैच है समर स्लैम का। ये देखिए शॉन माइकल्स का लैडर के ऊपर से जंप, शॉन माइकल का लैडर से गिरना, उफ। 25 मिनट के इस मैच में लैडर का दोनों ही रेसलर्स ने पूरे अच्छे से यूज़ किया। इस मैच के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये मैच आप खुद इन्जॉय करें, तो इस मैच को YouTube पे आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइज ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 समर स्लैम मैचेस की। अगर आपके पास कोई और वीडियोज़ की आइडिया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करिए। मैंने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पर आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, तो फिर भी मैं बहुत बड़ा बेशरम हूँ, आपको सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलूँगा। और गाइस ईट स्लीप वॉच रेसलिंग पीडिया रिपीट।